हेलो मैं पिक्सल स्कॉट, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जो लोग मुझे नहीं जानते या जो ये शक्ल पहली बार देख रहे हैं, गाइस दिस इज मी विप्लवी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारी मेकअप रिकमेंडेशन। यस, मेरे दिमाग में आया कि वेडिंग सीजन तो आ ही गया है, बहुत टाइम से चल भी रहा है। मैंने सोचा बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जिनकी खुद की शादी है और अपन शादी के हर दिन तो मेकअप आर्टिस्ट कर नहीं सकते हैं, इतने सारे फंक्शंस होते हैं ना अपने छोटे छोटे, हल्दी, मेहंदी, दिस एंड दैट, और भी बहुत सारे छोटे रिचुअल्स होते हैं जिनका अपन को शायद नाम भी नहीं पता। और थोड़ा थोड़ा मेकअप तो सबको ही करना पसंद है क्योंकि सब अपनी, एटलीस्ट अपनी वेडिंग पे तो सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत और है ना प्यारे लगना ही चाहते हैं। तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना एक ऐसा मेकअप रिकमेंडेशन वीडियो बनाया जाए जो कि सारी चीज़ें मैं आप वो दिखाऊंगी जो मैंने नायका से मंगाई है, और बहुत सब कुछ ही अफोर्डेबल होने वाला है। लाइक एवरीथिंग इज़ अंडर 500 रुपीज़, अब 300 भी कह सकते हैं कि हार्डली कोई चीज़ 500 या 400 टच करने वाली है। और आप अपनी छोटी मिनी मेकअप किट बना सकते हैं। देयर आर सम फ्यू प्रोडक्ट्स जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं और मैं आपको स्टार्टिंग से लाइक प्राइमर से लेके सेटिंग स्प्रे तक सब कुछ बताऊंगी, बहुत ही बजट फ्रेंडली और जो मैं डे टू डे यूज़ करती हूँ, तो मैं सब आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। चलो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मेकअप के पहले स्टेप के साथ जो कि होता है प्राइमर। ओके, स्किन केयर मैं इसे इंक्लूड नहीं करने वाली हूँ। अच्छा, फेस को मॉइस्चराइज करना पड़ता है, हर किसी को पता है और मेरे मुंह से भी सुन सुन के आप बोर हो गए होंगे। एंड डोंट फॉरगेट योर सनस्क्रीन ऑल्सो। सो हियर आर द टू प्राइमर्स चढ़ा, बोथ आर फ्रॉम इनसाइड कॉस्मेटिक्स। ओके, ये मैंने अभी मंगाया है और ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आपको दिख भी क्या होगा। ये उनका पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है, लाइट, सॉफ्ट फोकस एंड ब्लर। ओके, ये वो है जो आपका जो भी आपके ओपन पोर्स हैं या फिर ऑयली स्किन है उनके लिए परफेक्ट है। आप देख सकते हैं इसकी बिल्कुल ही जेल कंसिस्टेंसी है, फ्रिक्वेंसी ये रहा। ओके, तो ये सब इग्नोर कर देना, मैंने पहले बहुत सारे प्रोडक्ट्स टेस्ट एंड ट्रायल किए थे इसलिए ऐसा है। एंड यू कैन सी ये है ना बिल्कुल ब्लर कर देता है। ठीक है, आप इसे मेरी रिकमेंडेशन पर ले सकते हैं, आप कभी भी इससे निराश नहीं होंगे। एंड इट कॉस्ट ओनली आई थिंक 250 रुपये, मैक्सिमम 250 रुपये कॉस्ट करता है और 30 ग्राम्स आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज दिस, ये भी प्राइमरी है एंड वाओ आई लव दिस कलर एंड लव इट्स पैकेजिंग, बहुत ही ज़्यादा लक्स की फीलिंग देता है। ये है प्राइम एंड परफेक्ट हाइड्रेटिंग प्राइमर, लाइट, हाइड्रेट एंड ब्लर। ओके, ये है उनके लिए जिनकी ड्राई स्किन है और वैसे भी सर्दियों में सभी की स्किन ड्राई हो जाती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा चिकनाहट मिलेगी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, मैं इस हाथ पे दिखाती हूँ और ये थोड़ा क्रीम बेस है। ठीक है, और ये थोड़ा हल्का सा इसमें ब्लू टिंट है, बाकी आपको वाइट ही लगेगा कैमरे पे तो। एंड लुक एट दिस, इट ब्लर्स आउट योर पोर्स, देख सकते हैं आप यहाँ के और यहाँ पे फ़र्क, और ये आपको थोड़ा शाइन भी प्रोवाइड करेगा। लुक एट दिस, क्योंकि ये एकदम ही ऐसा रहेगा जैसे आपने क्रीम अप्लाई की है पर एट द सेम टाइम आपके पोर्स भी ब्लर कर देगा। और दोनों का एकदम ही सेम MRP है, सेम प्राइसिंग के साथ आता है और हमेशा 5-10% नायका पे ऑफ चलता ही रहता है। तो या आप इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग जो कि अपन को सभी ही मेकअप को सेट करने के लिए, सेट नहीं लगाने के लिए चाहिए। सो दिस इज़ द HP ब्रॉसन का प्रोफेशनल वाला ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज। ये मैंने अभी मंगाया है और ये सिर्फ मुझे आई थिंक 100 रुपीज़ में मिल गया। आप देख सकते हैं पूरा एकदम नया है, मैंने सिर्फ यहीं से यूज़ किया था क्योंकि मैं अभी रिसेंटली शादी में गई थी। बहुत ही इसको हल्का सा पानी में ऐसे करके स्क्वीज़ करके डैप डैप मोशन में अप्लाई करना होता है, बहुत अच्छा है। सस्ते ब्यूटी ब्लेंडर के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि सस्ता कुछ नहीं आता है। मैंने पहले जूडियो से और मिनीसो से ले लिए थे पर वो सारा ही प्रोडक्ट खा जाते थे। ये काफ़ी स्मूथली ब्लेंड करता है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अभी सिर्फ 100 रुपीज़ में आ रहा है नायका पे, जिसका एक्चुअल MRP 250 रुपये। सो या जल्दी से ले लेना। ये गाइस, तो मेरे पास आपको एक और चीज़ दिखाने के लिए, मैंने आपको स्पंज तो दिखा दिया था लेकिन कई लोगों को ब्रशेज से मेकअप करना पसंद होता है और अपन मेकअप करेंगे किससे? ठीक है, अपन स्पंज से ब्लेंड सब कुछ कर सकते हैं लेकिन आई शेडो करने के लिए, कॉन्टोर करने के लिए वी डू नीड सम ब्रशेज। सो हियर इज सब अफोर्डेबल ब्रशेज रिकमेंडेशन। दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी, इसमें आपको 6 ब्रशेज मिलती हैं। एक कॉम्पैक्ट ब्रश मिलती है, एक आपको फाउंडेशन ब्रश मिलती है, एक आपको मिलती है फॉर आईब्रोज, इसमें स्पूली भी गिवन है। ये आपको मिलती है आई शेडो लगाने के लिए, दिस इज़ वन ब्लेंड करने के लिए, और ये कंसीलर ब्रश है।
काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं और कितना अच्छा नाइस पैकेजिंग है। इसे तो फिर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। आई नो कि ये थोड़ी महंगी है, जब मैंने मंगाई थी तभी आती थी 700-800 रुपये की, पर अब महंगाई बढ़ गई है तो ये भी महंगी हो गई है। आई थिंक 1100 रुपये समथिंग की आती है, पर ये बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है अगर आपको मेकअप करना पसंद है। और शादी के बाद भी ना दुल्हन हो थोड़ा थोड़ा तो सजती ही हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो या ओके गाइस, तो वैसे मेरी वीडियो में आपको ज़्यादातर चीज़ें स्विस ब्यूटी और इनसाइट की मिलेगी, क्योंकि मैं पर्सनली इन्हीं की चीज़ें यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत बजट फ्रेंडली और मतलब बहुत ही इनक्रेडिबल होती है, मैं ये कह सकती हूँ। तो नेक्स्ट अप इज़ दिस इनसाइट का प्रो कंसीलर पैलेट। मैंने ये इससे दिखाया क्योंकि इससे आप अपने पिगमेंटेशन छुपा सकते हो, ब्रॉन्ज कर सकते हो, ठीक है ना, ऑरेंज कलर करेक्टर, ब्लू, सब कुछ है इसमें एक में ही। और ये सिर्फ आई थिंक 200 रुपये का आता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट होती है ना, वो भी 3-3, 4-4 साल की होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें पैसा वेस्ट कर रहे हो, अगर आपने इसे एक बार ले लिया तो शादी तो निकल ही जाएगी, पर और भी 2-4 साल तक जितनी भी शादियाँ होंगी ना, आप सभी इसी शर्ट आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, मैं आपको ये ऑरेंज वाला दिखाती हूँ, इसकी भी वो बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंसी बहुत ही है ना इनक्रेडिबली ब्लेंड होता है, हेवनली ब्लेंड होता है। और ये वाला मैं बहुत यूज़ करती हूँ, और ऑरेंज वाला, क्योंकि मेरे इतने डार्क सर्कल्स नहीं है, बट आई डू हैव सम ह्यूज मैसिव पिंपल्स ऑन माई फेस और बहुत रेडनेस रहती है, तो इसलिए मैं ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ। अभी कोई मेकअप करके दिखाने वाली वीडियो तो है नहीं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी कि क्या चीज़ क्या इस्तेमाल में आती है, पर हाँ थोड़ा हिंट मैं आपको दे दूँगी। नेक्स्ट अप आई हैव दिस तरह वेरी नाइस स्विस ब्यूटी का कंसीलर। दिस इज़ अ लिक्विड कंसीलर, कवर द ब्लैमिशेज एट वन स्ट्रोक। ये मतलब एकदम ही सही लाइन लिखी हुई है इसने, ये हेवनली ब्लेंड होता है। मेरा इसमें कलर है 03 लाइट मोइन, ओके, मतलब मेरा इसमें शेड मेरे पास और ओ माय गॉड गिरा दिया। ओके, तो मेरे पास इसमें ऑलरेडी था पर वो ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल ही खाली हो गया है, तो इसलिए मैंने अभी नया मंगाया है। मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ करती हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छे से ब्लेंड होता है। मेरे हाथ से आई थिंक आज जगह भी नहीं बचने वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मतलब बिल्डअप कवरेज देता है आपको, आप इसको मीडियम कवरेज का भी बना सकते हो, फुल कवरेज भी बना सकते हो। स्पंज से ब्लेंड करोगे ना तो बहुत ही हेवनली ब्लेंड होता है, बिल्कुल भी आफत नहीं आएगी। मेरे लिए थोड़ा सा लाइट है पर मुझे अच्छा लगता है यहाँ से अपनी अंडर आईज को बहुत ज़्यादा ब्राइट रखना, इसलिए से आप चेकआउट कर सकते हैं। और आई थिंक ये भी 250 रुपये में आ जाता है। फिर तो मैंने कंसीलर आपको दिखा दिया, पर आई डू हैव दिस फिटमी का कंसीलर, इसमें मेरा शेड 25 मीडियम, ये मेरा थोड़ा डार्क है, अगर मैं इन दोनों को मिला के लगाऊँ तो एकदम ही सही से लग जाए। ये भी काफ़ी अच्छा है, और पर ये थोड़ा सा उससे एक्सपेंसिव आता है, आई थिंक ये आपको 400 रुपये समथिंग का मिलेगा। और आप देख सकते हैं इसका कवरेज बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत अच्छा कवरेज देता है, फुल कवरेज नहीं है, ये भी मीडियम कवरेज है। तो अगर कोई ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सिर्फ मेबलिन ही यूज़ करते हैं, उनके फेस को वही सूट करती है, वो थोड़ी ऐसी चीप ब्रांड्स को ट्राई करने में डरते हैं, तो वो इस वाले को यूज़ कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगी, काफ़ी अच्छा है, तो मुझे पर्सनली इससे भी ज़्यादा अच्छा, और क्यों वो इससे सस्ता है पर इससे सच में ज़्यादा अच्छा है, मुझे स्विस ब्यूटी का अच्छा लगता है। मेरा दोनों ही कंपनियों से लेना देना नहीं है, तो मैं अपना ऑनेस्ट ब्रूटल रिव्यू देने वाली हूँ यहाँ पर हर चीज़ का, और जो भी मैं यूज़ करती आई हूँ। और एक चीज़ अपने दिमाग में से निकाल देना, मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि तुम्हारे पिंपल्स हो रहे हैं तो उसका रीज़न मेकअप है या क्या है, तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, इनिशियल स्टेज में मुझे भी लगा था। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मैंने पहले मेकअप को कलर डाल से निकाला था, मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है तो उससे थोड़ा इफ़ेक्ट हुआ हो, पर मेकअप करने से कुछ नहीं होता है। मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे कभी भी नहीं कहा आज तक, और मैंने बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट बदल लिए अभी तक, मेरे हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से ये बीमारी है पिंपल्स वाली। तो अगर आपके होते हैं तो डोंट वरी, मेकअप से वो ख़राब नहीं होने वाले हैं और ना ही ज़्यादा होने वाले हैं, तो ये अपने जहन से निकाल देना। नेक्स्ट अप आई हैव टू फाउंडेशंस टू शो यू गाइज, ओके, वन इज़ मेबलिन का फिट मी न्यूयॉर्क मैट पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली स्किन SPF 22 वाला फाउंडेशन। ओके, आपको डार्क शेड लग रहा हो, उसकी मेरी सिस्टर का है, दिस इज इन दी शेड 220, और ये मेरा है, दिस इज़ द सुपर सेफ फाउंडेशन 24 आवर फुल कवरेज, ठीक है। ये थोड़ा महंगा आता है, इसमें मेरा शेड 128 वॉर्म न्यूड है, सी दिस, दोनों बहुत अच्छे हैं, जस्ट दैट ये मीडियम कवरेज देता है और ये आपको फुल कवरेज देता है। ये आई थिंक
500 से ज़्यादा का आता है, पर मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, पर आप ये वाला ले सकते हैं। बिकॉज पहले यही था, पर फिर मेरे फुलसिया वगैरह हो गई तो मैंने सोचा ज़्यादा अच्छे से कवर करने की ज़रूरत है अब, ताकि ज़्यादा मेकअप फ्लॉलेस लगे, तो इसलिए मैंने फुल कवरेज मंगाया। वरना पूरी दुनिया आई गेस मीडियम कवरेज यूज़ करती है। मैंने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट्स को मीडियम कवरेज फाउंडेशन यूज़ करते हुए देखा, क्योंकि स्किन ऑलरेडी परफेक्ट है, कुछ है ही नहीं, तो इतना बिल्डअप की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो इसका मैं आपको रिव्यू वर्सेस वॉच करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है। नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग जिसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, हमेशा इसे अप्लाई कर ही लेती हूँ किसी भी बहाने से। तो टडा, हियर आर दीज। मैं आपको दो हर चीज़ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, क्योंकि कंपनी आप खुद चूज़ कर सकते हैं। दोनों ही ऑलमोस्ट सेम रेट के हैं, बोथ कॉस्ट अंडर 300 रुपीज़ आई गेस। दिस इज़ द फेसेस कैनेडा का वेटलेस स्टे मैट कॉम्पैक्ट। आप देख सकते हैं मैं इसे खा चुकी हूँ बिल्कुल, मैंने इसे पूरा ख़त्म कर दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और देख सकते हैं एक ही स्ट्रोक में ना ये आपको मैट फिनिश दे देता है। और इसमें SPF भी है, SPF आई थिंक इसमें 30 या 25 है, तो और क्या ही चाहिए। और मैंने जैसा बताया इनकी एक्सपायरी भी 3-3, 4-4 साल होती है, तो कोई वरी करने वाली बात नहीं है। एंड दिस इज़ द मेवलिन फिट मी कॉम्पैक्ट, ये भी अच्छा है, पर मुझे फेसेस कैनेडा का ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैंने अभी लिया था, ये भी 128 वॉर्म न्यूड ही शेड है, पर मुझे ऐसा लगता है कॉम्पैक्ट में मुझे शेड चाहिए ना, वो थोड़ा लाइट चाहिए। ये मुझे लगता है, देखो थोड़ा फ़र्क है ना, ये मेरी स्किन को थोड़ा डल दिखाता है। ये भी मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है, बीच में से तो ख़त्म होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है ये एक टोन डार्क है मेरे उसके लिए, तो अगर कॉम्पैक्ट में आप जा रहे हो तो एक टोन आप लाइट ले सकते हैं, बाकी आप फेसिस कैनेडा वाला ले सकते हैं अगर आपका मेरे जैसा कॉम्प्लेक्शन है तो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग जिसको अगर आप खरीद लेंगे ना, तो आपके बहुत सारे पर्पजेज वो हल कर देगा और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट चना, दिस इज ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट। ओके, स्टूडियो लाइक ग्लो लिखा हुआ है, एंड इट ट्रूली गिव्स यू स्टूडियो लाइक ग्लो। इसमें शेड है 03। ये पैलेट जो है ना 2-3 शेड में आते हैं, तो मैंने 03 लिया है। अगर मेरी तरह कॉम्प्लेक्शन है या इससे एक टोन डार्क भी है या 2 टोन भी डार्क है ना, तो आप ये वाला पैलेट ही लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छी शेड्स हैं। तो या इसमें आपको मिलती हैं 4 ब्लश की शेड, जिसमें से 2 एकदम मैट है और 2 में थोड़ा सा शिमर दिया हुआ है। और आपको 3 ब्रॉन्ज की शेड मिलती हैं, ये थोड़ा ऑरेंजिश है, और ये ब्रॉन्ज है, और ये कॉन्टोर है, ठीक है। तो इससे आपको कॉन्टोरिंग का पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा, आपको जॉ लाइन शार्प दिखानी है, नोज टोन करनी है ना, और फोरहेड छोटा दिखाना है, पूरा जो भी कॉन्टोरिंग होता है आप जानते ही होंगे। और दिस इज़ हाइलाइटर, तो ये भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा आपको ये ग्लो देता है, सी दिस इंस्टेंटली, ठीक है, सी दिस इंस्टेंट ग्लो टॉप ऑफ योर नोज, मतलब ऐसे शाइन करोगे ना बहुत ही अच्छे से। तो यस, काफ़ी पसंद है ये मुझे, और ये आप ले लोगे ना तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ आई थिंक 350 या 400 शायद, थोड़ा महंगा हो गया, महंगाई बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। 400 या मैक्सिमम 450 के अंदर तो ये आ ही जाएगा, इससे महंगा नहीं है ये। या तो काफ़ी अच्छा है, इसमें हाइलाइटर है, बट स्टिल इफ़ यू नीड समथिंग और आपको बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटर पसंद है, लाइक जानवी कपूर की तरह आप भी ऐसे कहते हो कि मुझे हाइलाइटर में डुबो दे नला दो, तो आपके लिए मैं ये बोल सकती हूँ कि आप ये ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम स्विस ब्यूटी ड्रॉप एंड ग्लो हाइलाइटर। दिस इज इन दिस शेड, नहीं लिखा हुआ, पर मोस्ट प्रोबेबली ये शैम्पेन है। ओके, नहीं, इसमें 02 गोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, मैं भी आपको गलत बता देती। इल्यूमिनेटिंग लिक्विड है हाइलाइटर, 18 ml आपको इसमें मिलता है। MRP इज 399, तो डेफिनेटली आपको 350 में तो ये मिल ही जाएगा। काफ़ी अच्छा है, और यू कैन सी दिस, इसमें ऐसा आता है, आप इसे ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है, एंड सी द मैजिक, ओ माय गॉड, इट इज़ वेरी वेरी शाइनी, लुक एट द ग्लो, द शाइन इट प्रोवाइड्स, चमक ही जाओगे। अगर आप दुल्हन हो तो क्या ही कहने, आपको अगर थोड़ा बहुत मेकअप खुद से करना पसंद है, देखो लुक एट दिस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, बहुत छोटे इसमें शिमर पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल भी आप ऐसे नहीं लगोगे कि क्या कर दिया या कुछ अजीब सा ही लगा लिया फेस पे, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, आप डेफिनेटली इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। या गाइस, बिल्कुल भी आप वरी मत करना, हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट डोंट फॉरगेट टू चेकआउट दैट। नेक्स्ट अप आई हैव दीज टू फ्लॉलेस मैट फिनिश एंड प्राइम एंड फिक्स सेटिंग एंड मैटिफाइंग लूज पाउडर्स, बोथ आर लूज पाउडर्स एंड बोथ आर फ्रॉम इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स, वही
वाला, ये HD वाला है, ये थोड़ा येलोइश है, दिखता है ना, इसको बनाना पाउडर भी अपन बोल सकते हैं। और ये वाला मैंने अभी मंगाया था, दोनों ही बहुत सस्ते हैं, दोनों ही आई थिंक 200 रुपये के होंगे मैक्सिमम। और ये आप देख सकते हैं ये वाइट कलर में है। डिफरेंस ये है कि प्राइम एंड फिक्स है ये वाला, वाइट वाला, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल पारुलगढ़ मैडम की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा आती रहती हैं, तो अपन देखते हैं वो ब्राइड्स के आंखों के नीचे वाइट कुछ लगा देते हैं और उसे लास्ट में रिमूव करते हैं। उसी चीज़ के लिए होता है ये, बेकिंग करने के लिए होता है, ठीक है, ताकि आपकी फाइन लाइन्स है ना यहाँ पे मेकअप घुसे नहीं और बहुत ब्राइटेंड लगे आपका ये वाला एरिया, तो या उसके लिए होता है। लुक एट दिस, ये वाइट है, काफ़ी अच्छा है। मैं आपको लगा के दिखाऊँ क्या, मैं मेरा मेकअप ये ऐसे बस अपन को प्लेस करना होता है, ठीक है, और मेकअप होने के बाद अपन इसे निकाल देते हैं। ठीक है, देखो अभी इस आँख में और इस आँख में फ़र्क देखो, ये आपको ऐसे चढ़ी हुई नहीं लग रही थोड़ी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये लगाया है। दूसरी आईज पे दूसरा और लगा के दिखाती हूँ। ये इज द बनाना पाउडर, लुक एट दिस, दोनों में ही ये थोड़ा येल्लो में होता है, येल्लो कलर में। आपको जैसा कॉम्प्लेक्शन चाहिए, कुछ को थोड़ा ना येलो चाहिए होता है, और जो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं वो वाइट वाला लगा सकते हैं, वैसे तो वो वाइट वाला सबके ही लगा देते हैं, तो ये येलो है, इसको अपन को लगा लेना है और फिर मेकअप होने के बाद, अभी तो मैं आपको इंस्टेंट करके दिखा रही हूँ, हटा देना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा नेचुरल वॉर्म येलो टोन देगा, और ये आपको थोड़ा वैसे वाला ब्राइट और वाइट। मैंने बस मंगा लिया क्योंकि मुझे दोनों ही ट्राई करने थे और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, तो यार। ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट अप आई हैव सम आई शेडो पैलेट्स टू शो यू गाइस, बोथ आर फ्रॉम सिंस ब्यूटी, और थोड़ा सा वेडिंग को ध्यान में रखते हुए मैं दिखा रही हूँ। तो टाटा, हियर आर दीज, मेरे पास और भी हैं पर सारे दिखाने का कोई सेंस नहीं है। दिस इज़ इन द शेड 02, ठीक है। इसमें आपको कुछ मैट और कुछ शिमर शेड्स मिलती हैं एज यू गाइस कैन सी, और जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छा है। लुक एट दिस, ये पिंक वाला देख लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे शाइनी फॉर्मूलाज हैं इसके, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि पिंक, ब्राउन, पीच सारे इसमें अच्छे अच्छे शेड आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और दिस इज सोली फॉर शिमर पर्पज़, इसका मेरा ऊपर का ये टूट गया है, ठीक है। इसका भी पैलेट नंबर 02 है, इसको बोलते हैं स्विस ब्यूटी मूज आई शेडो, और ये वाला आई थिंक 250 रुपये में आ जाएगा, ये थोड़ा उससे महंगा आएगा या फिर इतने में भी आ सकता है। इसमें सारे ही शिमर हैं, एक भी इसमें मैट शेड नहीं है, तो आप ले सकते हैं। मैं आपको अफोर्डेबल कैटेगरी दिखा रही हूँ, बाकी कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। आप नायका की साइट पर जाएंगे तो आपको, आप एक ये खोलेंगे तो उसके नीचे ही, क्योंकि वो सेम है, तो आपको बहुत सारे है ना पैलेट नंबर्स मिलेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग शेड ले सकते हैं। इसकी भी शेड बहुत अमेजिंग है, लुक एट दिस, ये थोड़ा ना क्रीम फॉर्मूले में है, लुक एट दिस, बहुत अच्छे हैं ये, बहुत पसंद आएगा आपको। लाइट मेकअप करना है पर थोड़ा सा, जैसे मैंने लगा रखा है ना, मैंने अभी इसी का शेड लगा रखा है ये वाला, तो थोड़ा शाइन चाहिए तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर तो अपन आई शेडोज की बात कर ही रहे थे, तो मैंने सोचा आईज वाला पूरा सेक्शन ही मैं आपको वरना दिखा देती हूँ कि क्या क्या आपको चाहिए होगा। ये है एक आई लैश कर्लर, पर कर्ल्ड आईज का तो कहना ही क्या, पर अगर आप फॉल्स आई लैश लगाएंगे तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। लुक एट दिस, बहुत अच्छा है। आज शायद मैंने अपने आई लैश कर्ल की नहीं है, और मैं आपको एक हैक भी बताया था एक शॉर्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। मस्कारा लगाने के बाद अगर आप अपनी आई लैशेज कर्ल करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग लगेंगी और अच्छी लगेंगी। नेक्स्ट अप आई हैव दिस आईब्रो पेंसिल, ये है इन दी शेड ग्रे, मुझे ग्रे इसलिए सही लगता है क्योंकि मेरी जो आईज है ना वो बहुत ज़्यादा, ये आईब्रोज जो है ब्लैक नहीं है और ब्राउन भी नहीं है, तो ग्रे परफेक्टली जाता है। ये स्पूली होती है अपनी आईज को कॉम्ब करने के लिए, और यहाँ पर आपको पेंसिल दी गई होती है जिससे आप ऐसे जो भी गैप्स हैं उन्हें फिल इन कर सकते हैं, और या काफ़ी अच्छी लगती है। लुक एट दिस, मुझे बहुत पसंद है, एंड ये सिर्फ आई थिंक 150 रुपये की आ जाती है। नेक्स्ट अप आई हैव दिस मस्कारा, दिस इज़ फ्रॉम नायका, कर्ल पावर वाटरप्रूफ कर्लिंग मस्कारा है ये। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये सस्ता है, मेरे पास एक मेबेलिन का हाइपर कर्ल भी है, पर आई थिंक वो 500 से ज़्यादा का आता है, इसलिए मैं वो नहीं दिखा रही हूँ। पर ये भी काफ़ी अच्छा है, ये मैंने अभी रिसेंटली लिया है, मुझे इसका वॉन्ड काफ़ी अच्छा लगा,
फॉर अपर एंड लोअर आई लैशेज. छोटी वाली जो है उससे अपन लोअर कर सकते हैं, बड़ी वाली से अपन अपर कर सकते हैं. काफ़ी अच्छा है, मैंने इस तक यही अप्लाई कर रखा है. तो या और ये आपको शायद 350 रुपये का मिल जाएगा. और आईज को ख़त्म करने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये 3D स्टूडियो आई लैशेज, किन्हीं को अगर फॉल्सीज लगाने का मन है तो भी लगा सकते हैं. ये री अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है. और ग्लू आपको अलग से लेनी पड़ेगी, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. और ग्लू भी इसका आई थिंक 100-150 रुपये में आ जाता है. काफ़ी अच्छी हैं, मैंने बहुत पहले मेकअप वीडियोस मैंने लगाया था पर अब मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मस्कारा से इतना अच्छा इफेक्ट मिल जाता है. मेरे ना सर दर्द हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा भरा भरा लगता है, तो ऐसा लगता है कोई साफ दिख नहीं रहा, तो या इसलिए. पर काफ़ी अच्छी हैं अगर आप ब्राइड हैं और अगर आपको अपने लेडीज चाहिए पे हल्दी मेहंदी पे बड़ी बड़ी आँखें चाहिए तो आप ये लगा सकते हैं. सिर्फ 150-200 रुपये की आती हैं. या नेक्स्ट अप आई हैव सम ब्यूटीफुल लिपस्टिक्स टू शो यू गाइज. अब अपने लिप्स की तरफ आ जाते हैं. मैंने पूरा फेस कवर कर ही दिया है, लिपस्टिक्स ही बची हैं. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये न्यूड लिपस्टिक, दिस इज इन द शेड न्यूड न्यूआंस. ये है फ्रॉम मेबेलिन, दिस इज द वन दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. आप देख सकते हैं अगर आपको मेरे जैसा कॉम्प्लेक्शन है तो ये ऐसी लगने वाली है, और अगर थोड़ा डार्कर कॉम्प्लेक्शन है तो ये काफ़ी अच्छी लगेगी. निया शर्मा को आप जानते हैं, आई थिंक वो शर्मा ही है, वो जो माई राजा वाली हीरोइन, वो जैसी लिपस्टिक्स लगाती है ना, हाँ उस तरीके की है थोड़ी. काफ़ी न्यूड है, काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि ब्राइड्स कभी कभार चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं. ये कुछ ब्राइड्स ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत ही मिनिमम सब कुछ करना पसंद है, और वैसे भी हमेशा ही बोल्ड लगना ज़्यादातर नहीं पसंद होता. कभी कभी थोड़ा सटल मेकअप चाहिए होता है, और आजकल तो ये फैशन चल रहा है कि आँखें बहुत बड़ी और अच्छी, मतलब सारा ही ड्रामा आँखों पे कर देना है, आई लैशेज और पूरा अच्छा सा आई शेडो लगा के, और लिप्स न्यूड रखवाती हैं आजकल ब्राइड्स. तो यार ये परफेक्ट है, अगर आपको खुद से थोड़ा बहुत रेडी होना है तो आप ये ले सकते हैं. और अगर आपको एक बहुत ही चटक मटक वाली ब्राइड बनना है और आपको डार्क शेड पसंद है, और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं और मैं भी सोचती हूँ कि शादी ही एक बहाना होता है जहाँ पे अपन ज़्यादा डार्क लिप कलर्स लगा सकते हैं, एवरीडे लाइफ में कौन ही वियर करता है इन कलर्स को, तो आप ये दो अफोर्डेबल ऑप्शंस रख सकते हैं. वन इज़ दिस इनसाइड का 21 रोमांस, ये प्योर रेड शेड है, मतलब बहुत अच्छा रेड है. मैं इसे ब्लड रेड भी नहीं कहूँगी, ब्रिक रेड भी नहीं कहूँगी, इज समथिंग बिटवीन, पर काफ़ी लुक इट इज, बहुत अच्छा रेड शेड है और स्टनिंग लगता है ये, मतलब कातिलाना होठ लगते हैं इसमें. नेक्स्ट इज दिस वाइन टच. ओके ये सिर्फ 100 रुपीज़ की है, 108 रुपीज़ की आती है, लिपस्टिक में लिंक दे दूँगी. और बहुत ही अमेजिंग वाटरी फॉर्मूला है, आराम से 5-6 घंटा के लिप्स रहेगी, पर हाँ थोड़ा ऑयल या वैसलीन अगर आप लगाएंगे तो हटेगी, उसके बिना नहीं हटेगी, पानी से नहीं हटने वाली है. नेक्स्ट इज दिस वाइन टच 20, ये है लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर. ये वो वाली रेंज है जो 350-300 वाली लिपस्टिक्स आती है ना, वो वाली. ये काफ़ी अच्छा कलर है, पर मैं बहुत ही रेयरली इस कलर को पहनती हूँ. सी दिस, इट्स प्योरली वाइन शेड. मैं थोड़ा और दिखाती हूँ लगा के, सी दिस, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है, पर बहुत अच्छे कलर से, मतलब ये बिल्कुल ऐसा कलर है, थोड़ा पर्पलिश है इसमें, पर या प्योरली वाइन शेड है ये. आप लगा सकते हैं कुछ, अगर आपने बैज न्यूड आउटफिट पहन रखा है उस पर लिपस्टिक बॉम्ब लगने वाली है. और अगर आप ब्राउन के फैन हैं तो भी मेरे पास आपके लिए एक लिपस्टिक है, या फिर आप सिस्टर हैं या ब्राइड्समेड हैं तो आप ये लिपस्टिक लगा सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड 01 जॉयफुल, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स, और ये भी सिर्फ 100 रुपये वाली कैटेगरीज में से है, हार्डली 130 की आएगी ये लिपस्टिक. एंड लुक एट दिस, वेरी नाइस ब्राउन शेड, काफ़ी अच्छा लगता है. या जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली वैसा ही कलर है ये, तो आप इनमें से पिक कर सकते हैं. और मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक और शेड है टॉप नॉच, विच इज़ सॉर्ट ऑफ अ पिंक कलर, लेकिन पिंक में, ये पिंक से अभी पीच कलर है, थोड़ा सा न्यूड है, और या आपको एवरीडे लगाने के लिए चाहिए छोटे मोटे फंक्शन में, तो यू कैन गो विद दिस शेड. लुक एट दिस, यू कैन सी दिस, कितने अलग कलर्स हैं, पर ऑल आर सो प्रिटी, बहुत सुंदर कलर्स हैं. तो आप कोई सा भी पिक कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल मैं रेंज दिखा रही हूँ, 100-130 मैक्सिमम. और हाँ बस लैक्मे वाली, ये वाइन वाली थोड़ी महंगी होगी, 250-300 की. तो या और मेरे पास कुछ लिप लाइनर्स भी आपको दिखाने के लिए, ऑल आर फ्रॉम स्विस ब्यूटी. फर्स्ट इज दिस सैंडी पिंक, ये भी काफ़ी अच्छा है, अगर ये चला के मैं दिखा पाऊँ तो आपको. लुक एट दिस, दिस इज़ द सैंडी पिंक. ओके क्योंकि लिप लाइनर्स भी चाहिए होते हैं, एक मैरून लिप लाइनर तो शादी में हमेशा ही चाहिए होता है आपको, नहीं तो आपकी मम्मी को कोई ना कोई तो मांग ही लेगा, बेटा है क्या आपके पास,
तो आप दे सकते हैं उन्हें। दिस इज़ द मैरून वन और ये सभी 50 रुपये का एक आता है। एंड दिस इज़ द डार्क ब्राउन, लुक दिस इज़ द डार्क ब्राउन, कैसे दिखाऊँ यार, हियर इट इज़ द डार्क ब्राउन वन, काफ़ी अच्छे हैं। तो आपका लिप भी सॉर्ट हो गया सया। तो लिप की बात करी रहती तो मेरे जहन में एक और चीज़ आई, ये सारी थोड़ी मैट लिपस्टिक थी, ज़्यादा ग्लिटर शाइन नहीं था इनमें, मतलब ग्लिटर शाइन तो था ही नहीं, ठीक है, बस ये अच्छी लगती जैसे कि है ना एकदम मैट वैसी ही थी। तो मैंने सोचा मैं आपको ये दिखा दूँ, ये है लिप ग्लॉस फ्रॉम स्विस ब्यूटी और ये काफ़ी अच्छी है, 100 रुपये 150 रुपये की आती है, ये ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस है। तो मैं लिपस्टिक लगाती रहती हूँ, ऐसा कलर ऐसा हो गया। एंड लुक एट दिस, इफ समबडी वॉन्ट्स दीज ग्लॉसी स्टनिंग लिप्स तो वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ग्लॉसी दिखाने हैं तो या सी दिस, कितना अच्छा शाइन दिया है इसमें। पर या इससे लिप्स कितने ज़्यादा स्टनिंग लग रहे हैं ना मुझे, ऐसे लिप्स ज़्यादातर कैटरीना कैफ के देखने को मिलते हैं। तो ये है, इसको लगाने के बाद थोड़ा सा आपकी लिपस्टिक ना ट्रांसफ़र होने लग जाएगी, पर वो अपन चला लेंगे, रीअप्लाई कर सकते हैं, टचअप कर सकते हैं, रीअप्लाई कर सकते हैं, अपन अपने छोटे से पर्स में रखते ही हैं ये सब चीज़ें। आज भी बहुत चीज़ें गिरा रही हूँ। तो फाइनली अपन उस चीज़ पर आ गई है जहाँ पर अपनी वीडियो ख़त्म होने वाली है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विटामिन ई, ये सब है इसमें, स्विस ब्यूटी का है। एंड दिस कॉस्ट आई थिंक ओनली 180 और 220 मैक्सिमम। ये बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है, मैं इसे कभी भी अप्लाई कर सकती हूँ। बस इसे लगाते टाइम आंखें बंद रखना अपनी, ठीक है, अदरवाइज आप अपनी आंखों को थोड़ा दुखी कर लेंगे, जलन हो जाएगी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फिनिश देता है। मैंने आज इसी से अपना फेस सेट किया है और बहुत अफोर्डेबल है, तो ये आप इसे ले सकते हैं। कुछ लोग सेटिंग स्प्रे को प्राइमर की तरह भी यूज़ करते हैं, पर इसमें स्पेसिफिकली कहीं रिटर्न नहीं है कि इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं, इसलिए मैंने नहीं किया आज तक। सेटिंग स्प्रे की तरह ये बहुत अच्छा काम करता है, सो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो या गाइस, दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, मैंने सब कुछ ही बता दिया आपको। अब अपनी किट बना सकते हैं, ये किट ऐसी होगी जिसमें आपके पास सब कुछ होगा, आपको भग के शादी में किसी के पास जाने की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे यार आपके पास ये है क्या वो है क्या, आपके पास सब कुछ होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में और अफोर्डेबल रुपीज़ में होगा। सो यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, be safe, be positive, and do not forget that I love you all so much. Sarangi, bye.